आफ्टरनून। और आज का दिन जो है, आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक सुहागन का, क्योंकि आज है तीज और आज मेरी फास्टिंग है। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई, मैं एक ही हाथ में मेहंदी लगाई हूँ बिकॉज मिस्टी जो है मेहंदी के स्मेल से भागती फिरती है। मैं अगर मुझे आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैं बहुत सारे ब्लॉग में ये बात बोल चुकी हूँ और पूरी तरह से मैं एक जैसे सुहागन पूरी तरह से तैयार, सिंदूर बिंदी चूड़ी मेहंदी पायल बिछिया जो दिख नहीं रहे हैं वो सब मैं पहनी हूँ। और ये ड्रेस अभी मैं रेडी नहीं हुई, ये ड्रेस पहनी हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे ही घर का नाइट ड्रेस पहनी थी, वो थोड़ा वाइट में था तो दीदी ने बोला कि क्यों आज लाल पीला नहीं है तुम्हारे पास, तो मैंने ये पहन लिया है। लग रहा ना मैं कहीं जा रही हूँ, बट मेरे लिए आज कुछ ऐसा ही दिन है, त्यौहार जैसा ही दिन है। और मैंने एक छोटी सी तैयारी की है, छोटा सा जहाँ पे मैं पूजा करूँगी, चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को जगह जहाँ मैं अभी पूजा करूँगी। अभी नहीं, शाम को पूजा करूँगी, अभी थोड़ी सी तैयारी हुई है, थोड़ी सी और तैयारी होगी। और मिस्टी ऐसे ही करके कैजुअल ड्रेस में है, वो चेंज नहीं किए, पर उसके मूड का कोई गारंटी ना, ना मिस्टी कभी भी चेंज कर सकती है। और कुछ बोलना चाह रही है? हाँ, हाँ बोलो। फ्रेश, देखिए ये तो बहुत कलर पार्ट है, मम्मी अच्छा कपड़ा पहना और बेटा को देखिए। अच्छा चेंज कर दे, आप ही तो बोली थी कि नहीं करेंगे हम ये वाला ड्रेस पहनेंगे। नहीं नहीं अब तो मैं चेंज करूंगी, नहीं नहीं मैं अब तो चेंज करूंगी, झूठी। चलो 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 चलो। अच्छा बोलो बोलो, मैं तो मजाक कर रही थी, बोलो फ्रेंड्स को बोलो। मजाक कर रही थी फ्रेंड्स। घर में इसलिए टंगा है क्योंकि बाहर जो है 3-4 दिन से मौसम बहुत ही ख़राब है। आप कितने दिन कपड़े नहीं धोओगे, धीरे धीरे कपड़ा रखते रखते जो है ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जगह जगह रस्सी टांग दिए हैं, तो वो एक जगह यहाँ पर भी खाली था, नीचे इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्श है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने एक रस्सी टांग दी है। अभी ये खाली है क्योंकि उतने सारे कपड़े आज नहीं थे तो वो दूसरे तार पर फैलाए हुए हैं, तो इसलिए ये खाली है। और क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ये टांग दिया गया है जो बाहर से कपड़ा ला के यहाँ पर फैलाया जा सके जब बारिश होना शुरू हो जाए। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार हुई ना, हक है, दस्तूर है, समय भी है ना, बस यहाँ पति नहीं है। आई मीन मेरे हस्बैंड जो है वो लखनऊ में यहाँ नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन जो था कंपनी बंद थी, तो बैठा के पैसे दे रहे थे कंपनी, तो अब तो कंपनी खुल गई है तो अभी छुट्टी अलाउ नहीं है। कंपनी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि छुट्टी तो सारी ख़त्म हो गई है, अब कंपनी खुली है तो आपको वर्क करना होगा, वर्क कीजिएगा तो पे करेंगे, वर्क नहीं कीजिएगा तो पे नहीं करेंगे। तो ये सब जो दिख रहा है ना वो सब इसका कमाल है, पैसे का कमाल है, तो इसीलिए पैसा तो होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। कि क्या मैं मिट्टी का जो पार्वती और शिव जी हैं वो बनाऊं या फिर फ़ोटो से ही पूजा कर लूं, बिकॉज़ बाहर में बहुत बारिश हुई है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला है और सूखी मिट्टी मेरे पास है नहीं जो उसमें मिला के बना लूं। ऊपर से मिट्टी ऐसी मिट्टी नहीं है कि उसे कुछ बनाऊं और वो बना रहे। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस मिट्टी में जो है केंचुए बहुत है, तो मुझे केंचुए से बहुत डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, फिर भी माँ से पूछ लूँगी एक बार, माँ जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। अगर माँ बोलेगी कि नहीं मिट्टी से बनाओ तो जैसे तैसे करके ट्राई किया जाएगा, बट अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत देर तक टिकने वाले में से नहीं है, मतलब अजीब सा बालू टाइप से मिट्टी है, वो चिकनी मिट्टी जो गांव के होते हैं ना जिससे कुछ भी बनाओ तो एकदम मतलब एकदम कड़ा हो जाता है, वो मिट्टी नहीं है, एकदम बलुआही मिट्टी है तो वो फुसफुस जाता है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बनाऊंगी। अगर बनाऊंगी भी तो अभी नहीं बनाऊंगी, ऐसे तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है, बट कहना मुश्किल है, बना भी सकती हूँ नहीं भी। अगर मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखोगे, और नहीं बनाऊँगी तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गई हूँ मैं तीज के लिए रेडी, और अभी मैं पूजा पर बैठूँगी, पर माँ नहीं आई है, आई मीन मेरी मदर इन लॉ नहीं आई है, इसलिए नहीं बैठी हूँ। और मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ, यही सूट जो है मुझे दीदी से मिला था, मेरी सिस्टर इन लॉ से मुझे मिला था, जो मैं इसके पीछे वाला ब्लॉग में इसके जिक्र कर चुकी हूँ। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ग्रीन कलर का सूट है और रेड कलर का पैजामा नहीं प्लेन्स है, और दुपट्टा वहाँ पर रखी हुई है। चलिए मैं दुपट्टा भी दिखा देती हूँ, जो इसके साथ नहीं मिला था वो अलग से मैंने मैच किया है,
इसके साथ कुछ भी नहीं मिला था। लेंस भी अलग से मैच किया गया है और ये दुपट्टा भी अलग से ही मैच किया गया है। ये रेड और गोल्डन का दुपट्टा है जो इस सूट के साथ पूरा मैच कर रहा है, और क्योंकि लेंस भी रेड है इसीलिए दुपट्टा भी रेड है, और इस पर गोल्ड कलर का कुछ कुछ वर्क किया हुआ है जो दिख रहा है इस ब्लॉग में, तो इसीलिए इस पर भी गोल्ड कलर का वर्क किया हुआ है, तो पूरी तरह से मैच कर रही है। और पूजा के समय रिकॉर्डिंग हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल नहीं रहेगा, मेरी बेटी का हाथ में मोबाइल रहेगा, वो जितना कर सकेगी वो कर देगी, नहीं कर सकेगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, पर ये तो अपलोड होगा ही। हाँ, अब आई ना लाइट खुल के देखिए, और अगर मैं पिक ले सकी तो वो भी मैं फुल पिक डाल दूँगी, और फिलहाल ये रस्सी हटा दूँ क्योंकि यहीं पर पूजा होगी तो रेडीमेड है, तो फिलहाल ये मैं रस्सी हटा दूँ जिसका जिक्र मैंने इससे पहले इसी ब्लॉग में किया है। अब ये यहाँ से हट गई है और चलिए दिखाती हूँ, यहाँ पे पूजा की फुल तैयारी है। अब बस मेरी माँ के आने का देर है, माँ आ जाएंगी तो पूजा स्टार्ट हो जाएगा, कथा मैं कहना शुरू कर दूँगी। कथा मैं घर में ही कह लेती हूँ, मैं 2 साल से कथा घर में ही कहती हूँ, क्योंकि मंदिर जाना बहुत भीड़ भाड़ रहता था, बहुत धक्का मुक्की, मतलब एक तो फास्टिंग ऊपर से इतना धक्का मुक्की, इतना ठेलम ठेल होता था ना कि बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं 1-2 बार तो गई मंदिर, उसके बाद जो है मैं खुद बुक खरीद ली और घर में ही मैं विधि के अनुसार जिस तरह से उसमें बताया गया है उसके अनुसार थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, भगवान माफ़ कर दे, लेकिन मैं वैसे ही कथा पढ़ के पूजा कर लेती हूँ। उसमें शायद ठीक से नहीं देख पाए तो अब देख लीजिए ठीक से, सारी तैयारी हो चुकी है, वहाँ पे फूल और चढ़ाने का सामान सब, फल उल दिया बाती सब कुछ एवरीथिंग रेडी है, भगवान भी रेडी हैं। बट मैं जो मिट्टी का वो ले थी भगवान बनाऊंगी वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बारिश पूरी तरह से बारिश हो रही है, उसमें से कीड़े निकल रहे हैं तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, बस फ़ोटो से इस बार काम चला लूँगी। मैंने दुपट्टे भी ले लिए, और आप लोग बोलिएगा कि इस तरीके से दुपट्टे क्यों लिए, तो मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर में जो है ये दुपट्टा अब सर पे जाने वाली, तो मैंने इसी तरह से ओढ़ लिया, रख ली, मैंने कोई पिन उन नहीं लगाया क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो सर पे रखनी ही है, तो फिर पिन लगाएंगे शर्ट उट करेंगे तो फिर उसे खोलनी ही पड़ेगी, कौन इतना टेंशन मोल लेता है, एक तो पेट में चूहे कूद रही हैं, आज मैं नाम नहीं लेना चाहती इस चीज़ का, फिर भी लिया ही जाता, पेट ही तो है, भूख ही तो है, जो डेली खाते थे 3 से 4 बार जो आज जरा सा पानी भी नहीं पीना है, तो नाम तो लिया ही जाएगा ना, नाज़मी है। हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्व स्वयं और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सांग वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्व स्वयं जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से मुक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पवन बैठे हैं शिव अभिलाषी,
कांत सम पर्वत शोभित चंद्र कात सम हिम राशि छह ऋतु नित फलत लहत है पुष्प चढ़त है वर्षासि देव मुनि जन भी परत करते हैं। तो फेस उसका सारा मेकअप उतर चुका है, ड्रेस चेंज हो चुकी है और हालत है पंचर हो चुकी है। इतना देर से सुबह से लेकर अभी तक ना प्यास व्यास नहीं लगी थी, बट जैसे ही पूजा करके उठी वैसे ही पानी पीने का महसूस हुआ कि प्यास लगी है, बट नहीं पी सकते, रात काटना है, कट ही जाएगा भगवान के मदद से। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ स्टॉप, मुझे आप आगे बढ़ाने का हिम्मत नहीं है। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट पे कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।